जय शिवा दोस्तों, आप सभी कोइतुर आदिवासी सगा समाज को आपके YouTube चैनल गोंडवाना की बात पर हार्दिक स्वागत है। और गोंडवाना की बात पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, इससे नए वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश की हुए विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। दो विधानसभा क्षेत्र को लेकर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी इन दो विधानसभा क्षेत्र में कितने वोट हासिल किए हैं, इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमान सिंह पोरते जी मध्य प्रदेश की सहपुरा 103 विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन अमान सिंह पोरते जी को इस 2023 की विधानसभा चुनाव में पराजय की सामना करना पड़ा, जीत हासिल नहीं कर पाए। और गोंगप्पा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमान सिंह पोरते जी इस 2023 की विधानसभा चुनाव में कितने वोट प्राप्त किए थे, आइए जानते हैं। 40,860 वोट प्राप्त किए थे इस 2023 की विधानसभा चुनाव में श्री अमान सिंह पोरते जी। और इस मध्य प्रदेश की सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से टोटल 7 विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। और इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जी 84,844 वोट प्राप्त किए थे और 5,617 वोटों से जीत हासिल किए हैं। इस सहपुरा विधानसभा क्षेत्र से गोंगप्पा तीसरे नंबर पर था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर विधायक प्रत्याशी श्री भूपेंद्र मुराबी 79,227 वोट प्राप्त किए थे। आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की बिछिया विधानसभा क्षेत्र को लेकर। दोस्तों, इस मध्य प्रदेश की बिछिया विधानसभा क्षेत्र से टोटल 5 विधायक प्रत्याशी चुनाव लड़े थे इस 2023 की विधानसभा चुनाव में। इस विधानसभा क्षेत्र से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक प्रत्याशी इंजीनियर श्री कमलेश टेकाम जी तीसरे नंबर पर टिके रहे और इनके वोट पाने की बात करें तो 39,115 वोट हासिल किए थे इस 2023 की विधानसभा चुनाव में इंजीनियर श्री कमलेश टेकाम जी। दोस्तों, इस बिछिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक प्रत्याशी श्री नारायण सिंह पट्टा जी वर्तमान MLA, इनको 2023 में 89,222 वोट प्राप्त हुआ था और 11,065 वोटों से जीत हासिल किए थे। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विजय आनंद मरावी जी इस 2023 की विधानसभा चुनाव में 78,157 वोट प्राप्त किए थे। मध्य प्रदेश की बिछिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है MLA श्री नारायण सिंह पट्टा जी। दोस्तों, यह जानकारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गोंडवाना की बात पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, इससे नए वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा।